पूरी वारदात शादीपुर इलाके की ठीक इसी जगह पर हुई। बुधवार रात को नितेश अपने दो साथियों के साथ यहां पर खड़ा था, तभी आरोप है कि बाइक पर सवार चार दूसरे समुदाय के जो युवक थे वो यहां से गुजर रहे थे, गाली गलौज करने लगे, बदतमीजी की, उसके बाद बाइक आगे की तरफ ले गए और फिर वापस घूम कर आए, जिसके बाद इनके बीच में एक बार फिर से झगड़ा हुआ और फिर उसके बाद जो बाइक सवार युवक थे वो वापस अपने दोस्तों को बुलाने के लिए आगे की तरफ चले गए। आप जो सामने एक दूसरी लोकेलिटी देख रहे हैं वहाँ पर दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं, उसके बाद आरोप है कि 20-25 लोग इकट्ठे होकर वहाँ से इधर वारदात की जगह पर आए और उसके बाद पत्थरों से और डंडों से नितेश और उसके जो दोस्त हैं आलोक और मोंटी उनके ऊपर हमला कर दिया। नितेश को गंभीर चोटें आई जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दो दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद आखिरकार नितेश की मौत हो गई। हालांकि इस मामले में अभी तक जो आरोपी है वो फरार चल रहे हैं और इसी को लेकर जो परिवार और इलाके के लोग हैं उनके अंदर गुस्सा है, नाराज़गी है और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो। कैमरामैन अरविंद के साथ वरुण जैन, ABP News, दिल्ली।